आज एक और सेशन में लेके आया हूँ। ये भी एक छोटा सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ऑब्वियसली इन द केस ऑफ मिरर्स वी विल सी द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, एंड फॉर लेंसेज वी विल सी द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन। अभी ये इम्पॉर्टेंट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है कई बार। ये स्टूडेंट्स जनरली मैंने देखा है लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन लोगों को रहता है। अच्छा अभी अगर मैं कंफ्यूजन क्या रहता है पहले मैं देख वो बता देता हूँ। मैं अगर मिरर की बात करूँ, मिरर का जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी हमारा इमेज डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस। हाँ, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एफ इज फोकल लेंथ है। इधर ही अगर हम लिख लें मैग्निफिकेशन, ये माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, ये अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखें तो ठीक है, मिरर के लिए ये ठीक है। लेंस के लिए अगर मैं देखूं फॉर्मूला तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उधर मैग्निफिकेशन वी अपॉन यू होता है केवल। अब अगर आप डिफरेंट ऑथर्स का बुक देखें तो कुछ ऑथर्स यहाँ प्लस की जगह ये माइनस की जगह, ये जो माइनस दिख रहा है लेंस के लिए यहाँ पे भी वो लोग प्लस ही यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ शायद एम की जगह माइनस वी अपॉन यू यूज़ करते हैं। सो अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें तो एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये फॉर्मूलेज मिलेंगे। दूसरे किसी ऑथर, सपोज आप रेसनिक हॉलीडे लेते हैं, अगर आप उसमें पढ़ें तो वहाँ तो थोड़ा केस उल्टा ही है। तो एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लें, बाद में आप सोचो ठीक है थोड़ा और मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, ये रेसनिक हॉलीडे पढ़ लेता हूँ, तो रेसनिक हॉलीडे पढ़ के तो आप थोड़ा और कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका साइन कन्वेंशन ही डिफरेंट है। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि आप लोग एक ही साइन कन्वेंशन और एक ही फॉर्मूले, एक ही टाइप के फॉर्मूलाज को फॉलो कीजिए। अगर आपने मिक्सअप कर दिया तो आपसे आंसर नहीं बनेगा, कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा यू विल एंड अप गेटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन सही से यूज़ नहीं की, या साइन कन्वेंशन आपने यूज़ किए किसी और के, और फॉर्मूलेज आपने लगा दिए किसी और के। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन साइन कन्वेंशन एंड टू वन टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। सो आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूलेज यूज करने हैं हमें और कौन सा साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये देखिए मैंने दो तरीके के बेसिकली साइन कन्वेंशन देखे हैं बुक्स में, बट ये वाला कन्वेंशन मेरे को इजी लगा याद रखने में भी और थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी इजी लगा। तो हम लोग यही वाला साइन कन्वेंशन देखेंगे आज। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ। अच्छा देखिए, अभी इसमें हम लोग को कार्टेशियन सिस्टम मालूम ही है कि अगर हमारा ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रहता है इसमें ये डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है, सिमिलरली ये डिस्टेंस प्लस एक्स की डिस्टेंस ये भी हमारी पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, निगेटिव वाली निगेटिव कंसिडर की जाती है। और जो लेफ्ट साइड में है वाई एक्स, सॉरी मैंने एक्सेस थोड़ा उल्टे बना दिए हैं, जस्ट ए मिनट मैं थोड़ा इनको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ ये वाई एक्सेस, ये मेरा एक्स एक्सेस। सो लेफ्ट की तरफ निगेटिव या निगेटिव एक्स एक्सेस में जो है वो निगेटिव, इधर जो पॉजिटिव है प्लस एक्स में वो पॉजिटिव। सो सिंपली यही वाला कन्वेंशन हम लोग यहाँ भी फॉलो कर लेंगे। अभी देखिए ये कार्टेशियन सिस्टम वाला तो आपको मालूम ही है कि राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएगा तो निगेटिव है, या निगेटिव एक्स में जाएगा तो निगेटिव। सिमिलरली हम लोग
जब रेज फॉर्म करेंगे या इमेज फॉर्म करेंगे तो हम लोग सिंपली यही वाला फॉलो कर लेंगे। देखिए मैं ये इमेज में, देखिए ये एक मेरा कॉनकेव मिरर है। इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट हमेशा मैं पकड़ के चलूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अभी अगर किसी ने ऐसे कर दिया, डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर ऐसे कर दिया, राइट टू लेफ्ट मिरर को ऐसे रख दिया, तो थोड़ा सा चीज़ें उलट जाएंगी। बट नॉर्मली वैसा होता नहीं है, हम लोग एक ही तरीके से बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको ये नहीं बोलता कि ये इधर से इमेज रे आएगी उधर से आएगी। सिंपली हम लोग हर बार जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही ले लेंगे, ताकि हमारा साइन कन्वेंशन जो है वो सेम बना रहे। अच्छा अभी देखिए मिरर के केस में, मिरर के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से इधर ही रखा रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो अभी क्योंकि ये जो मिरर का पॉइंट होता है इसको हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन है, ये जो पी, जो पॉइंट पी होता है इसको हम लोग ओरिजिन पकड़ते हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हमारी इसी पी से ही कैलकुलेट होती हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट पी ओनली। सो ये पी जो पॉइंट है इसको हम लोग 0,0 पकड़ सकते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तो इस पी के जो लेफ्ट में चीज़ें रहेंगी वो हमेशा नेगेटिव रहेंगी, इस पी के जो राइट में चीज़ें रहेंगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। दिस इज वेरी सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू रिमेम्बर ऑल्सो। सिमिलरली ये जो एक्सिस है या जो पी है, पी के ऊपर जो भी डिस्टेंस है ये हमारी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस में रहेगी। सिमिलरली इस पी से नीचे जाने वाली जितनी भी डिस्टेंस हैं, ये पी से नीचे जाने वाली वो सारी नेगेटिव रहेंगी। देखिए ये हाइट इधर पॉजिटिव दिखाया गया है, हाइट अपवर्ड बिकॉज इट इज अपवर्ड सो पॉजिटिव। ये देखिए ये इमेज बन रहा है, ये नीचे की ओर है तो ये नेगेटिव हो गया। इट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होगी। अभी ये कनकेव मिरर है और इसमें अगर आपका जो इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में ही, क्योंकि हमारा पी ओरिजिन है तो ये लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। देखिए ये इमेज हमारा जो ये है, ये इमेज ये हमारा इस पॉइंट जो पी है इसके लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, तो ये भी हम लोग नेगेटिव लेंगे अगर इसकी वैल्यू दी हुई है। और दूसरी चीज ये भी आप सोच लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए कि सपोज आपको एक क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ठीक है हमारी फोकल लेंथ, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, फोकल लेंथ आपको दिया कि भाई 20 सेंटीमीटर है। अच्छा फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम ये उसको देखेंगे। फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, अभी देखिए ये चीज़ें थोड़ा क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड में होगा डिस्टेंस तो नेगेटिव, राइट में होगा तो पॉजिटिव, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। सिंपली एक्स और वाई सिस्टम है इसमें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा फोकल लेंथ की बात करें तो पहले मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की, जो कि दिखाया हुआ है देखिए इमेज में। इसका जो फोकस है वो इधर ही है, देखिए लेफ्ट साइड में ही है। अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा कॉनकेव है तो इसका जो फोकस पॉइंट है वो इधर ही है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ये नेगेटिव लिया जाता है हमेशा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लूँ, ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर, बट इसका फोकल लेंथ देखिए इस साइड में रहता है, फोकल लेंथ इस साइड में, तो इस साइड में तो राइट साइड में है, ये पोल पी के राइट साइड में है। तो कॉनकेव मिरर का, जस्ट अ मिनट, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ
हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझने में आसान भी है क्योंकि फोकल लेंथ इस साइड में, राइट साइड में है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली। तो अभी चीजें क्लियर हो गई कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की निगेटिव ली जाएगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि ये राइट साइड में है। अच्छा, अभी मैं जो बोल रहा था कि अगर आप लोग, हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज किसी न्यूमेरिकल में आपको बोला कि आपने एक कॉनकेव मिरर लिया जिसका कि फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका रखा हुआ है सपोज 40, 40 सेंटीमीटर पे, ओके, इमेज इमेज की डिस्टेंस आपको पता करनी है इसमें। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन वी, देखिए ऊपर लिखा था फॉलो मैंने, प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी हमको कैलकुलेट करना ही है। अच्छा, एफ, अभी हमको एफ निगेटिव लेना है क्योंकि हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर का एफ निगेटिव होता है, तो हम लोग माइनस वन और 20 रखेंगे। इस तरह यू भी निगेटिव रहेगा क्योंकि यू हमेशा लेफ्ट साइड में है, मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में है चीजें तो निगेटिव रहेंगी। तो ये हो गया 40, वन अपॉन एफ माइनस माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन 40, क्योंकि हम लोग 40 को निगेटिव लेंगे और माइनस तो हमारा इक्वेशन से ही बन के आ रहा है, तो ये हमारा माइनस वन ओवर 20 प्लस वन ओवर 40 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस वन ओवर 40, तो आपका वी आ गया माइनस 40 सेंटीमीटर। देखिए वी हमारा पहले से ही माइनस आ गया, माइनस का मतलब ये है कि ये जो हमारा इमेज बनेगा वो भी हमारा मिरर से लेफ्ट साइड में ही बन रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, साइन कन्वेंशन सही से नहीं लिया और आपका जो वी है वी पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो हमको मालूम है कि ये 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है लेफ्ट साइड में और कॉनकेव मिरर से हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर जो है लेफ्ट, इमेज जो है लेफ्ट साइड में ही बनता है, तो वी हमारा निगेटिव ही आना है। अगर आपका वी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, या तो फॉर्मूला गलत लगाया है या साइन कन्वेंशन गलत लगाया है। तो ये कहने का मतलब ये था कि कुछ केसेस में आपको चीजें पता होती हैं, साइन कन्वेंशन पता रहता है भाई, जैसे इसमें आपको पता था कि वी आपका निगेटिव ही आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ओके, तो अभी मिरर के केस में हमने बात कर ली भाई, ये कॉनकेव मिरर दिखाया गया है, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे ही होता है, उसमें क्या फर्क है, बस फोकल लेंथ का ही फर्क है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा इधर ही रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट रहेगा, बट इसका जो फोकल लेंथ है वो इस साइड में रहेगा, तो ये फोकल लेंथ ये पॉजिटिव रहेगा। इसका जो फोकल लेंथ इधर कॉन्वेक्स मिरर में ये था, कॉनकेव मिरर में ये नेगेटिव था, केवल इतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में। बाकी अभी देखिए, इसका जो हमको मालूम है इसका ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ये यू हमारा हमेशा निगेटिव ही रहेगा, बट हमें मालूम है इसका जो इमेज है वो इधर बनता है कहीं, हमेशा मेरा इमेज राइट साइड में ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो हम देख लेते हैं, सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया कि कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो आपको वी बताना है इसका कितना है। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि वी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि राइट साइड में ही बनना है इमेज, तो अब देखिए हम लगाइए वन अपॉन वी
प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो यहाँ से आपका वन अपॉन वी बन गया वन अपॉन एफ, ये तो नीचे ले लेता हूँ, एफ माइनस वन अपॉन यू। एफ अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ आपका पॉजिटिव ही होगा, तो ये होगा वन अपॉन टेन, यू आपका निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस वन ओवर -15, तो ये बन गया 1/10 प्लस 1/15। अगर आप इसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से कुछ भी आए बट ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसका जो भी आंसर देखिए पॉजिटिव आंसर ही आएगा, इट्स करेक्ट। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आप पहले से ही आंसर्स को आंसर का जो साइन है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग अभी लेंसेस में आ जाते हैं, लेंस का भी सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं यूज़ की गई है, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही यूज़ हुआ है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ बिट ऑफ। हाँ तो भाई देखिए, लेंस के केस में ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है। इसमें भी देखिए जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट साइड की, ये डिस्टेंस नेगेटिव है, और जो राइट साइड की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पॉजिटिव है। सिंपल, ये जो ऊपर की डिस्टेंस है ये देखिए, ये ऊपर की प्लस वाई है तो ये प्लस है, ये जो नीचे की डिस्टेंस है, ये जो इमेज दिखाई गई है नीचे की ओर है, तो ये निगेटिव हो गई, जैसे कि हमने मिरर्स के केस में देखा। अच्छा, इसमें बात करते हैं फोकल लेंथ की, कि भाई फोकल लेंथ का क्या चक्कर रहेगा। इसमें हमने मिरर के केस में देख लिया कि ये जो कॉनकेव मिरर दिखाया गया है इसमें तो फोकल लेंथ इधर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव है, बट अब देखिए इसमें जो अगर मैं ड्रॉ करूं जो रे आ रही है, सपोज ये रे आ रही है पैरेलल, तो ये फोकल लेंथ इधर वाले से जाएगी राइट वाले साइड से, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है। तो अब चूंकि ये फोकल लेंथ इस साइड में पड़ रही है तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो कॉनकेव की सिमिलरली निगेटिव हो जाएगी, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, सॉरी मिरर, मैं मिरर मिरर बोल रहा हूँ, मिरर नहीं लेंस, क्योंकि मिरर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव, इट इज निगेटिव। सिंपल है, याद रखना सिंपल है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए राइट साइड में फोकल लेंथ पड़ता है हमारा फोकल पॉइंट, क्योंकि राइट साइड में ही जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद रे वो राइट साइड में जाती है। बट अगर आप देखिए, अगर आप इसको देखें, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, सॉरी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसमें अगर आप देखें तो क्या होता है, ऐसे आती है बट जो रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है ऐसे जाती है, तो हम लोग क्या इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, तो ये फोकल लेंथ जो है ये हमारा इधर ही पड़ जाता है लेफ्ट साइड में। इसके लिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। याद करना भी इजी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, बाकी चीज़ें सेम है, जो प्लस वाई है वो पॉजिटिव है, जो निगेटिव वाई है वो निगेटिव है, जो माइनस एक्स में है या लेफ्ट में है वो निगेटिव है, जो प्लस एक्स में है राइट साइड में है वो पॉजिटिव है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये मिरर्स के लिए वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एंड एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये हमारा आपका लेंस के लिए। तो आई होप ये
आपको समझ में आया रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते छोटा सा, न्यूमेरिकल से क्या है चीजें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो ये देखिए, एक मिरर का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये क्या बोलता है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। आपको मालूम ही है रियर व्यू मिरर्स में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स का ही यूज करते हैं। तो सवाल लगाने के लिए सिंपल आप एक डायग्राम बना लें तो हमेशा इजी रहता है। तो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ओके, अच्छा अभी देखिए, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। तो आपको मालूम ही है फोकल लेंथ जो होती है मिरर्स के लिए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका होता है उसकी आधी होती है। तो फोकल लेंथ सीधी से हमारी हो गई 3/2, साइन कन्वेंशन में बाद में देखूंगा, 1.5 मीटर। ओके, तो फोकल लेंथ 1.5 मीटर आ गई। अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर। ओके, थोड़ा सा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो बस सपोज यहाँ पे ये हमारी एक बस है, ये एक बस लोकेटेड है जो कि 5 मीटर पे है। अच्छा, अभी आपको यू दिया हुआ है। यू, अब यू प्लस होगा कि माइनस होगा? ये माइनस होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है पी से, बिकॉज ये पी हमारा आपका ये ओरिजिन हो गया, तो ये नेगेटिव साइड में है। तो ये -5 मैंने लिख लिया। एफ आपका 3/2, 1.5 है, और चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकल लेंथ है वो इस साइड में कहीं पे होगा, तो इसके लिए एफ हमारा पॉजिटिव है। तो अभी फॉर्मूला लगाइए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f, मैं लिख देता हूँ 1.5, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/5। तो ये कितना बन के आ गया, चलिए मैं सिंपल कर लेता हूँ। ओके, नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम ले लेते हैं मेरे ख्याल से, चलो मैं सिंपल ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 13/15। सो वी हमारा हो जाएगा 15/13। या यू कैन गेट सम, यू कैन सॉल्व दिस मैथमेटिकल इक्वेशन बाई सम अदर मैथड्स ऑल्सो। वी इज इक्वल टू 15/3। अभी देखिए मेन चीज ये है कि ये हमारा वी पॉजिटिव साइन के साथ आया है। वी पॉजिटिव आया है इसका मतलब जो मेरा इमेज है, जो बस का इमेज है, वो राइट साइड में इधर कहीं बन रहा होगा, यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा होगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। समझ में अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।